गांव ममेरा कला में लोगों की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र बने लोक देवता गोकुल पीर के मंदिर पर लगने वाला 3 दिवसीय 49वां विशाल वार्षिक मेला आज विधिवत रूप से शुरू हो गया। स्वामी जीतोनंद महाराज ने मंदिर प्रांगण में बनी जाहरवीर गोगा जी की प्रतिमा के साथ साथ लोक देवता गोकुल पीर व उनके भगत टोडाराम की समाधियों पर पुष्पमाला अर्पित की। स्वामी जीतोनंद महाराज ने भगवान शंकर की प्रतिमा पर तथा गुरु गोरखनाथ की समाधि पर भी माला अर्पित करके वार्षिक मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने हवन यज्ञ कर आहुतियाँ दी। इस हवन यज्ञ में गांव के सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया और मेले के दौरान सुख शांति की कामना की। ओम इदं विष्णु चक्रमे ते दालिल पद्मा समूलस्य विष्णु श्रेयसा ओम लक्ष्मी देवता भ्यो नमः स्वाहा। जों नसरसे गुरुकः जय द्रांतः सभात स भूमि सर्वां मूलं महः। ओम लक्ष्मी देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरुकः एवेद वंशवयज्ज भाव्यं उदाम दासाना तिरोहति। ओम लक्ष्मी देवता भ्यो नमः स्वाहा। लक्ष्मी देवता भ्यो नमः स्वाहा। विष्णु चक्री पट्या नारायण गौ लक्ष्मी देवता भ्यो नमः स्वाहा। तस्मा आदाय की जू भयाद गावो तस्मा तस्मा लक्ष्मी देवता भ्यो नमः स्वाहा। लक्ष्मी देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसो जात ततो सूर्यो अदायत तोत्राद्वायो च प्राण मुखाद लक्ष्मी देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम नाभ्या आसीत अंगरक्षवं हेतो काउ हंसम पदभ्राम लोकाम अकल्पयन्नहं श्रीशदे लक्ष्मी शक्त्या बाहू रात्रि पारस्वी नक्षत्राणि लक्ष्मी देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम यद मुरुग अदेक व्यवहारिका देवाय कंदन मसल ग्रीष्म श्रद्धवे लक्ष्मी देवता भ्यो नमः स्वाहा। सप्तदा परिदह सप्त समिदह कृता देवाय कंदन अदन बालुकान पसोम लक्ष्मी पवित्री ने तदधारण दुखा काम दुख सह पुनः तो स्वाहा। ओम नमो दिव्य महादेवी शिवाय सर्वमेव नमः प्रकृतये भद्राय नमो नमः स्वाहा। सुंदर मृग चंदा भजोर भाई नटवर नागर नंदा भजोर भाई गोविंदा। कृष्ण कन्हैयो नंद जी को लालो कृष्ण कन्हैयो नंद जी को लालो। इस अवसर पर मेले में हरियाणा पंजाब राजस्थान व दिल्ली से आने वाले करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारा भी शुरू हो गया। स्वामी जीतोनंद महाराज ने विधिवत रूप से देवताओं के भोग लगाकर भंडारे का शुभारंभ किया। बाद में सभी ग्रामीणों ने मंदिर प्रांगण में बने विशाल हॉल में एक साथ बैठकर सामूहिक भोजन ग्रहण किया। ये भंडारा 25 सितंबर की मध्यरात्रि तक लगातार चलेगा। भंडारे में सेवा करने के लिए गांव के सैकड़ों युवाओं की टीम को ड्यूटियां सौंपी गई है। पूरे कार्यक्रम के बारे में चैनल डी ने कई ग्रामीणों से बात की। के अनुसार ममेरा गांव में आज मेला शुरू हुआ है। उस मेले से पहले कई वर्षों से यहाँ यज्ञ स्टार्ट करके उस मेले को आरंभ किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा की जाती है, भगवान गोरखनाथ की पूजा की जाती है, भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है और सभी ग्रामवासियों ने ममेरा गांव कला व खुल्ड ने मिल करके इस यज्ञ को संपन्न किया और लंगर स्टार्ट किया। पिछले 50 साल से गोकुल पीर जी का मेला लगता है, जो आज जो है पूरे गांव ने अमन यज्ञ करके महाराज जीतवानंद जी हमारे बीच में आए, उनसे शुभारंभ करा करके आज से ये मेला शुरू हो चुका है और जो आने वाली 26 तारीख तक 3 दिन तक चलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे और लाखों श्रद्धालु आज से ही लंगर शुरू हो चुका है। जो पिछले
एक दिन से तैयारी थी, वो आज विधिवत रूप से जीतवानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के आज से भंडारा शुरू कर दिया है, जो 26 तारीख तक चलेगा और ये मेला भी 26 तारीख तक चलेगा, जिसमें लाखों लोग श्रद्धालु आएंगे। ये ममेरा कला में बहुत सालों से जो है विधिवत रूप से मेला लग रहा है, आज से शुरू हो गया है, जिसमें सभी गाँव वासियों ने प्लस आस पड़ोस के गाँव ने मिलकर हवन यज्ञ करके इस मेले की शुरुआत की गई है। आज से ही लंगर को भी शुरू कर दिया गया है, जो ये मेला तीन दिन तक चलेगा और इसमें 3 लाख के आसपास लोग श्रद्धालु जो माथा टेकेंगे। धन्यवाद। पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से और गोकुलपीर सेवा समिति के सहयोग से हर वर्ष लगाया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा इसमें सेवा समिति से मिलकर जो भी जरूरी काम होते हैं, जैसे सुरक्षा के लिए पुलिस का है, लाइट का है, पानी का, स्वास्थ्य का, उसमें ग्राम पंचायत पूरा सहयोग करती है और जो भी इसकी सेवा समिति की ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में पूरा मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि हमारा अगला वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच सके। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डी।